करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम श्री हरिदेव मंदिर है। ये श्री बज्रनाभ कृष्ण का जो पवित्र उन्होंने चार देव को स्थापन किया, गोवर्धन में हरिदेव, वृंदावन में गोविंददेव, मथुरा में केशवदेव और दावी में देव। मतलब होता है जो दीप्तवान है। इसलिए जो स्थान वो स्थान जहाँ पर कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को खड़े होकर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने धारण किया है। प्लस गिरिराज महाराज उनको मंदिर है। ये जो विग्रह है ठाकुर जी को श्री वज्रनाभ ने ही स्थापन किया था, ये ठाकुर जी को। और ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये कोई साधारण वस्तु नहीं, क्योंकि हमारे कितने गोस्वामी लोग होंगे, सब के सब निज निकट निवास देही गोवर्धन गुरुनाथ का, सब के सब गिरिराज की तहेटी में निवास की प्रार्थना किया। बोले क्यों, सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की प्रतिमा लगा करते थे, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, नरोत्तम श्यामानंद, श्रीनिवास, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर, अभिषेक जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब के सब गिरिराज के लेकिन आश्रय की प्रार्थना किया है। क्योंकि जब तक ये गिरिराज गोवर्धन का कृपा नहीं हो, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन जयति शैल पुराधिराज, जो गोपी का हरिदास वर्ज कृष्णेन शक्र मघेन सप्ताह मकर पद्म तले। इसलिए कृष्ण कहते गोवर्धन जयति शैल पुराधिराज, जो गिरिराज गोवर्धन को श्री राधारणी स्वयं कहती हैं हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज, जितने हरिदास में सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन, विशेष करके तीन हरिदास बताए, पहला नंबर श्री महाराज हरिदास, हरिदास पर श्री उद्धव जी, और हरिदास जो वैज्य है श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए क्योंकि जब तक भक्तों का कृपा नहीं हो तब तक भगवत प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की मुँह से ये शब्द निकली, ये कौन है श्री गिरिराज, श्री हरिदास वैज्य है। कृष्णा जब गोचारण करने के लिए आते हैं उनके सुंदर सुंदर पानी की व्यवस्था, फल फूल पंचामृत की सब कुछ व्यवस्था श्री गिरिराज गोवर्धन करते हैं। इसलिए कहते प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे रचयति नवजून द्वंद्वमस्मी निबंधम, इति कील कालनाथ लग्न कस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम। इसलिए गिरिराज जी चरण में प्रार्थना करते बोले गिरिराज गोवर्धन, आप जिनकी कचरा कचरा में पूज्य पूज्य में आप लीला करते हैं, इसलिए आप भगवान के सबसे बड़े लास है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नए, कृष्ण भक्ति पूरे रहु संसार नाथ है। मतलब जब तक किसी महान पुरुष का जब तक कृपा नहीं हो तभी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है, और सर्वश्रेष्ठ महान पुरुष जैसे गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत सिंह नारायण गोस्वामी महाराज भी गिरिराज चरित्र में कठोर तपस्या उन्होंने की और खूब साधना भजन किया है। इसलिए जब तक इनकी कृपा नहीं हो तब तक जीव का प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोग श्री गिरिराज के चरित्र में आए, इनसे प्रार्थना करते हैं गिरिराज गोवर्धन आप कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला कीजिए, कृष्ण के लिए बहुत सेवा की आप कृपा करके हमें भी ठाकुर जी के चरण में हमें भक्ति और उनकी सेवा हमें भी आप प्रदान करो। बोले गिरिराज बाबा की जय, गिरिराज वर्ज की जय, गौर प्रभा की जय।